आकाशवाणी की ओर से प्रस्तुत है कारोबार बंबई द्वारा निर्मित रेडियो धारावाहिक देवी चौधरानी की 11वीं कड़ी। बंधु सुनो बंधु सुनो, बंधु सुनो सुनो बंधु, बंग भूमि की कहानी जहाँ हुई देवी चौधरानी। ओगो बंधु सुनो सुनो बंधु, बंग भूमि की कहानी जहाँ हुई देवी चौधरानी। ऋषि बंकिम ने जिसकी महिमा है बखानी, त्यागमयी देवी चौधरानी। ओगो बंधु सुनो बंधु सुनो, शक्ति का अवतार नारी जिसका रूप भवानी, शक्ति का अवतार नारी रूप भवानी, जिसका रूप भवानी दुर्गा बनी देवी चौधरानी। माँ दुर्गा बनी देवी चौधरानी। देवी चौधरानी डकैतियां तजने की इच्छा से आई, किंतु भवानी पाठक ने सारी स्थिति उसको समझाई। रानी माता का दरबार लगा जंगल में बैकुंठपुर के, धन पाया दरिद्र जनता ने, जय जयकार किया जी भर के। इधर लौटकर घर ब्रजेश ने धन प्राप्ति की कथा सुनाई, ऋण भुगतान की निश्चित तिथि हर वल्लभ के आगे दोहराई। बंधु सुनो बंधु सुनो, बंधु सुनो सुनो बंधु, बंग भूमि की कहानी जहाँ हुई देवी चौधरानी। ओगो बंधु सुनो सुनो बंधु, बंग भूमि की कहानी जहाँ हुई देवी चौधरानी। बाबा बाबा, आज वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। जानता हूँ। क्यों? वैशाख शुक्ल सप्तमी को अब 5 ही दिन बचे हैं। मुझे याद है ब्रज, उतनी बड़ी बात कोई भूल सकता है? हो जाएगा प्रबंध। वो किस घाट पर किस समय तक रुपया पहुंचाना है उस देवी चौधरानी को, वो तुमने बताया तो था लेकिन याद नहीं आ रहा। संधानपुर के घाट पर चंद्रास तक रुपये पहुँच जाने चाहिए। ठीक है, पहुँच जाएंगे, तुम चिंता मत करो। किंतु बाबा, रुपए लेकर तो मुझे ही जाना होगा। मैं समझता हूँ तुम्हारा जाना निरापद नहीं है। अब एक बार बाघ के मुंह से सकुशल निकल आए, इसका मतलब ये तो नहीं कि हर बार सुरक्षित ही लौट आओगे। मेरा जाना निरापद नहीं? क्या कह रहे हैं बाबा, मुझ पर क्या संकट आ सकता है? मैं तो उसी के रुपए उसे लौटाने जाऊंगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि किसी और का जाना उसे विपत्ति में डाल देगा। डाकू स्त्री और उसके दल के लोग मुझे पहचानते हैं, और किसी को तो नहीं पहचानते। हो सकता है बिना पूछताछ के सीधे गोली चला दे। नहीं नहीं बाबा, हर दृष्टि से मुझे ही रुपया ले जाना चाहिए। ठीक है, अब जिद पर अड़ गए हो तो तुम ही जाना। मैं हर हाल में षष्ठी तक रुपयों का प्रबंध करके लौट आऊंगा। क्या घर में देने लायक रुपये नहीं है? वो किंतु बाबा, यदि किसी कारण आप षष्ठी तक नहीं लौट पाए तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं निश्चित रूप से षष्ठी तक लौट ही आऊंगा। ए, क्या बोल माल है, है? अंदर कलेक्टर साहब बैठे हैं, पता नहीं। चलो हटो यहाँ से, चलो, ये खड़े होने की जगह नहीं है, चलो। जी मैं भूतनाथ का जमींदार हूँ चौधरी जी, ऐसे ही नहीं खड़ा हूँ, मुझे कलेक्टर साहब से मिलना है। जमींदार हैं? कहाँ के? भूतनाथ का नाम सुना होगा आपने।
क्यों मिलना है कलेक्टर साहब से? एक बहुत जरूरी काम है। अब वो तो जो भी कलेक्टर साहब से मिलने आता है वो यही कहता है कि बहुत जरूरी काम है। वो आप एक कागज पर अपना काम लिख कर दीजिए, पहले उसे सात के नीचे के अफसर पढ़कर देखेंगे, अगर उन्हें लगा कि जरूरी काम है तो साहब से मिलने का दिन और समय बता देंगे। लेकिन चौधरी जी, मेरी बात ऐसी नहीं है कि किसी दूसरे को बताई जाए, और यदि बात कहने में विलंब हुआ तो सरकार का भारी नुकसान होगा। ये आपके बच्चों के लिए। आप ऐसा बोलते हैं तो कह देता हूँ भूतनाथ जी। भूतनाथ मेरे गांव का नाम है, मेरा नाम मेरा मतलब वही है। ठीक है, जो भी है। हुजूर। यस। बाहर भूतनाथ का जमींदार खड़ा है, बोलता है कि आपसे कोई बहुत जरूरी बात कहनी है। ऐसा बोलता है? ठीक है, उसे बैठने को बोलो, बाद में देखेगा। वो कहता है साहब कि आपसे बात में अगर देर हो गई तो सरकार को भारी खतरा होगा। ऐसा बोला, पागल तो नहीं? नहीं हुजूर, पागल नहीं लगता। ठीक है, उसे आने को बोलो। जॉनसन, ask the lieutenant to wait a little more. Be with him for a while. I'll call him shortly. हुजूर, उठो, खड़े होकर साहब से जो कहना जल्दी कहो। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा सलूट है हुजूर। गॉड के आगे हिंदू ऐसे ही सलूट करता है। अच्छा अच्छा, बोलो क्या बात कहना है साहब। बात ऐसी है कि आपसे अकेले में ही कह सकता हूँ। ठीक है, चपरासी बाहर जाओ। लेफ्टिनेंट साहब को फौरन आने को बोलो। जाओ, ये यही ठहरेगी। जी हुजूर। कम ऑन ब्रैनन, तुम ठीक वक्त पर आया। ये आदमी, ये जमींदार है, बोलता है कि परसों उस डाकू औरत चोट रानी को पकड़ा देगा। 500 सिपाही लेकर इसके साथ जाओ। What? Yes, he will guide you to that she devil. What makes you believe this native rascal, John? Supposing it is a bluff? No, it can't be. भूतनाथ, लेफ्टिनेंट साहब बोलता है कि अगर डाकू औरत को नहीं पकड़ाया तो ये तुम्हें गोली मार देगा। मंजूर? मैं उसे कैसे पकड़वाऊंगा साहब? मैं तो बस वो जगह दिखा दूंगा जहां वो होगी। पकड़ने का जिम्मा मैं कैसे ले सकता हूँ? वो तो साहब और सिपाही लोग पकड़ेंगे। ठीक है, तुमको पकड़ना नहीं, पर तुम जहाँ बताओगे वहाँ अगर वो नहीं हुई तो तुम्हें गोली मारेंगे। मंजूर? हाँ साहब, मंजूर। फाइन, भूतनाथ तुम साहब के साथ रहेगा, इनको उस औरत तक पहुँचा कर लौटेगा तो सरकार भारी इनाम देगा। ब्राह्मण के संतान साहब, जो बात मुँह से निकल गई वो होकर रहेगी, इस बार डाकुरी नहीं बच सकती। ओके, फॉलो मी। जी साहब। अब तुम साहब के साथ जाओ। जाता हूँ सर, और वो इनाम लेने कब आऊं? ओह माय गॉड, डाकुरी पकड़ जाए उसके बाद कभी भी आ जाना। Listen and tell me what this man is saying. Okay, sir. तुम बोलो साहब को क्या बोलना मांगता, हम साहब को बोलेगा, समझाएगा। Listen. ठीक है साहब, 3 घंटे बाद वो डाकू औरत संतान घाट पर एक बजरे पर मिलेगी। मैंने उसको पकड़ने का ढंग भी सोच लिया है, हुक्म हो तो बताऊं? बोलो, जो बोलना मांगता बोलो, हम साहब को समझा देगा। Okay. Thank him and ask him to be with me at the time of attack.
साहब तुमको धन्यवाद बोलता है और कहता है कि हमले के समय तुमको हम लोग के साथ में रहना होगा। एकदम साथ रहेगा माई बाप, एकदम साथ रहेगा। क्यों निशी, आज रानी को तपस्विनी के वेश में देखकर कैसा लग रहा है? ऋषि कण्व के आश्रम में दुष्यंत के वियोग में व्याकुल शकुंतला सी दिख रही है हमारी सखी। ललाट, कपोल, बाहु, हृदय सर्वत्र चंदन का लेप, गले में फूलों की माला और हाथों में फूलों के कंगन। चुप कर, वियोग में क्या कोई श्रृंगार करता है? तो क्या तपस्विनी के इस वेश में परमेश्वर के दर्शन करोगी? हाँ, परमेश्वर के दर्शन ही करने हैं। भली कही, चलो मैं तो खैर मूरख ठहरी, लेकिन ये मैंने कभी नहीं सुना कि कोई ईश्वर को प्रत्यक्ष देख सकता है। ईश्वर अनुकूल हुए सखियो, मेरे स्वामी समय रहते पहुंच गए। अब तुम लोग नीचे जाओ। मैं आज रुपए नहीं ला पाया, तुम्हें व्यर्थ ही परेशानी हुई। शायद दो चार दिन और लग जाएं, पर दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। ठीक एक सप्ताह बाद का दिन रखने में तुम्हें असुविधा तो नहीं होगी? अब मुझसे भेंट नहीं हो सकेगी, कभी मुझसे भेंट नहीं हो सकेगी प्रफुल्ल। पर मेरा ऋण चुकाने का एक और उपाय है। वो क्या प्रफुल्ल? वो रुपया गरीब दुखियों में बांट दीजिएगा, मुझे मिल जाएगा। प्रफुल्ल, तुम्हारा रुपया मैं गरीब? देखो प्रफुल्ल, इन 10 वर्षों में मैं बराबर तुम्हारे ही ध्यान में डूबा रहा था। मेरी और भी 2 स्त्रियां हैं, पर मैंने इन 10 वर्षों में उन्हें अपनी स्त्री नहीं समझा, तुम्हें ही अपनी स्त्री समझता रहा। मेरे मन में किसी और के लिए स्थान ना था। तुम्हारे मरने का समाचार सुनकर मैं भी मरना चाहता नहीं, लेकिन अब जो सुनता समझता हूँ तो सोचता हूँ मर क्या होता तभी अच्छा था। तुम मर गई होती तब भी अच्छा था, नहीं मरी थी तब भी मेरा मरना अच्छा होता। आज तुम्हें पाकर प्रफुल्ल मुझे मरमान तक पीड़ा हो रही है। मैंने अपने मन के मंदिर में सोने की प्रतिमा बिठा रखी थी, लेकिन मेरी वही प्रफुल्ल ये पेशा करती है। तो क्या तुम समझते हो कि मैं डकैती करती हूँ? और क्या समझ सकता हूँ बताओ। नहीं स्वामी, मैं डाकू नहीं हूँ, मैं शपथ लेकर तुमसे कह रही हूँ, मैंने कभी डकैती नहीं की है और न कभी डाके की एक कौड़ी छुई है। यानी तुम मेरे देवता हो। मैं दूसरे देवता की अर्चना करना सीख रही थी पर सीख नहीं पाई। तुमने सभी देवताओं का स्थान अधिकृत कर रखा है, तुम ही मेरे एकमात्र देवता हो। मैं शपथ लेकर कह रही हूँ, मैं डाकू नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि लोग मुझे डाकू कहते हैं, क्यों कहते हैं ये भी जानती हूँ। वो तुम्हें आज सुनना होगा, तुम्हें वो सब सुनाने ही आज यहाँ आई हूँ। आज के बाद तुम कभी नहीं सुन सकोगे। सुनो, सुनी मेरी कथा, विश्वास हुआ? ओ प्रभुल, अब अपनी चरण धूलि देकर इस जन्म के लिए मुझे विदा करो। अब यहाँ रुको मत, विपत्ति आने वाली है। विपत्ति? हाँ, 10 वर्ष बाद तुम्हें पाकर भी जाने को कह रही हूँ। इसी से समझ सकते हो कि विपत्ति साधारण नहीं है। इस नाव पर मेरी 2 सखियाँ हैं, वे बड़ी गुणवती हैं।
मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ। तुम उन्हें अपने साथ लेते जाओ। घर पहुंचकर वे जहां जाना चाहें उन्हें वहां पहुंचवा देना। मुझे याद रखा है वैसे ही याद रखना। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं प्रफुल्ल, मुझे समझा दो। हाँ, तुम्हारे इतने आदमी थे, वो सब कहाँ हैं? अब क्षण भर भी विलंब ना करो, जल्दी से अपनी डोंगी पर चढ़कर चले जाओ। ये छिपे किसकी हैं? इनमें काफी लोग दिख पड़ते हैं। और बंदूक किसने चलाई? इतने सिपाही इधर क्यों आ रहे हैं? क्या तुम्हें पकड़ने के लिए? क्यों बोलती क्यों नहीं? तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम पहले से ही सब कुछ जानती थी। हाँ, मेरे जासूस हर जगह हैं। इस घाट पर आकर तुमने जाना या पहले ही? पहले से ही जानती थी। तब जानबूझकर यहाँ क्यों आई? एक बार और तुम्हें देख पाने के लिए। आत्मसमर्पण करने का निश्चय कर लिया है? अब जी कर क्या होगा? तुम्हें देख लिया, अपने मन की तुमसे कह चुकी, तुम मुझे प्यार करते हो ये भी जान लिया। मेरे पास जो धन था वो भी बांट चुकी हूँ। अब जीकर कौन सा काम करूंगी या कौन सी साथ पूरी कर लूंगी? प्रफुल्ल, तुमने मुझसे शपथ खाई है, मैं भी शपथ खाता हूँ, आज तुम अपने प्राण बचा लो, मैं तुम्हें अपनी गृहिणी बनाऊंगा। ससुर जी क्या कहेंगे? उनसे मैं समझ लूंगा। हाय, यदि ये कल सुन पाती। कल सुनने से क्या होता? तब किसकी मजाल थी जो मुझे पकड़ पाता। और अब? अब कोई उपाय नहीं है। तुम अपनी डोंगी बुलाओ और दीवार निशे को अपने साथ लेकर जल्दी चले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम मेरी स्त्री हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी रक्षा का भार मुझ पर है। इस विपत्ति में तुम्हें छोड़कर भाग जाओ? तब मैं भी स्वीकार करती हूँ। यदि जान बचाने का कोई भी उपाय होगा तो मैं करूंगी, किंतु मेरे बचने से एक दूसरा अमंगल होगा। दूसरा? इन सिपाहियों के साथ मेरे ससुर जी आए हैं, यदि मैं ना पकड़ी जाऊं तो उन पर विपत्ति आ सकती है। क्या बाबा, हे भगवान, वो मुखबिर है? हाँ। मैं मरूं तो कोई हर्ष नहीं है, तुम्हारा मरना उससे अधिक दुखकर होगा, पर मैं उसे देखने को नहीं रहूंगा। लेकिन तुम्हारी और अपनी रक्षा से पहले हमें अपने पिता की रक्षा करनी होगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि उनके अमंगल की थोड़ी भी आशंका रहते मैं अपनी रक्षा के लिए कोई प्रयत्न नहीं करूंगी। तुमने कहा है तब भी वही बात है, ना कहा होता तब भी वही बात थी। तुम निश्चिंत रहो। ब्राह्मण का आशीर्वाद ग्रहण करें देवी माँ। मैंने सवेरे तुम्हें देवीगढ़ भेजा था रंगराज, वहाँ क्यों नहीं गए? मेरी आज्ञा की अवहेलना क्यों की? मैं तो देवीगढ़ जा रहा था, रास्ते में ठाकुर जी से भेंट हुई। भवानी ठाकुर? उनसे सुना कि कंपनी के सिपाही आपको पकड़ने आ रहे हैं, अतः हम दोनों अपने बरकंदाजों को इकट्ठा करके ले आए हैं। उन्हें जंगल में छिपा कर मैं किनारे बैठा था, छिपो को आते देख कर मैंने भेरी बजाकर संकेत किया। कंपनी के सिपाही तो इस जंगल में भी होंगे। हैं, लेकिन हमने उन्हें पूरी तरह से घेर रखा है। ठाकुर जी कहाँ हैं? कुछ बरकंदाजों के साथ उधर दूसरी ओर से बाहर निकल रहे हैं। तुम कितने बरकंदाज लाए हो? 1000 के लगभग होंगे। और कंपनी के सिपाही कितने होंगे? सुना है कि 500 हैं। इन 1500 लोगों की लड़ाई में मरेंगे कितने? मरने को तो 200-400 भी मर सकते हैं। ठाकुर जी से जाकर कहो, और तुम भी सुनो, कि तुम्हारे इस काम से मुझे मरमान तक पीड़ा हुई है। क्यों माँ? एक स्त्री के प्राण बचाने के लिए तुम लोगों ने इतने लोगों के मारने का उद्योग किया है, क्या तुम्हें कुछ भी धर्म ज्ञान नहीं है? मेरी आयु समाप्त हो चुकी होगी तो मैं अकेली मरूंगी, मेरे लिए 400 आदमी क्यों मरेंगे? तुम लोगों ने क्या मुझे इतना नीच समझ रखा है? मैं इतने लोगों के प्राण लेकर अपने प्राण बचाऊंगी? आपके रहने से अनेकों के प्राण बचेंगे माँ। छी, सुनो रंगराज, जाकर ठाकुर जी से कहो इसी क्षण बरकंदाजों को लेकर लौट जाए, एक क्षण का भी विलंब होगा तो मैं कूद कर प्राण दे दूंगी, मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जाकर ठाकुर जी से ये सब कह दूंगा, वे जो समझेंगे करेंगे। मैं तो आप दोनों का ही आज्ञाकारी हूँ। तुम्हें क्या हो गया है देवी? माना कि तुम अपने प्राणों के साथ जो जी चाहे कर सकती हो, किंतु आज तुम्हारे साथ तुम्हारे पति भी हैं,
उनका भी ख्याल नहीं किया? किया बहन, किंतु ख्याल करके भी कुछ कर नहीं पाई। केवल जगदीश्वर का ही भरोसा है। जो होना होगा सो होगा, किंतु जो भी हो निशि, अपने पति के प्राण बचाने के लिए भी इतने व्यक्तियों के प्राण लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरे पति मेरे सब कुछ हैं, पर उनके कौन हैं? सिपाहियों से भरी 5 शिपें हमारे बजरे के एकदम निकट आ पहुंची हैं। अच्छा, देवी रानी की, देवी रानी की। ये क्या हो रहा है निशी? क्या भवानी ठाकुर तक मेरी बात नहीं पहुंची, या मेरी बात अनसुनी कर दी गई? शायद सोचती हूँ कि मैं मर नहीं सकूंगी, तो आज वे भी मेरा काम देखें। तुम तत्काल किसी लाठी के ऊपरी सिरे पर एक श्वेत वस्त्र बांध कर ले आओ और देखो कि मैं क्या करती हूँ। वस्त्र ऐसे बांधना कि देखने पर झंडा लगे। ये सब क्या हो रहा है प्रफुल्ल? जो भी हो रहा है देखते जाओ, किंतु जो भी हो, ससुर जी की और तुम्हारी प्राण रक्षा का अपना वचन अवश्य ही पूरा करूंगी। नहीं, मैं तुम्हें। ये ना देवी, इसे ऊपर ले जाकर मस्तूल में बांधना अच्छा होगा। मैं नहीं, समय नहीं है, इसे मैं हाथ से ही ऊपर उठाती हूँ। अरे ये तो बड़ा चमत्कारी झंडा है, इसे उठाते ही युद्ध रुक गया। किंतु प्रफुल्ल, किसके हुक्म से यह झंडा उठाया है तुमने? रानी जी के हुक्म से। रानी जी के हुक्म से? तुम जाकर रानी जी से पूछ आओ कि मैंने उनके हुक्म से सफेद झंडा दिखलाया या नहीं। और तुम्हारे लिए आदेश है कि कक्ष के दरवाजे पर से रानी जी से हुक्म लो। ठीक है, पूछ भी आता हूँ। अटिक, इसे छोड़ना नहीं, मैं अभी आता हूँ। रानी माँ! आ गए रंगराज? हाँ माँ, हमारे बजरे से सफेद झंडा दिखलाया गया है, इसलिए लड़ाई बंद हो गई है। हाँ, ऐसा मेरे हुक्म से हुआ है। अब तुम ये झंडा लेकर साहब के पास जाओ और कहो कि लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं आत्मसमर्पण कर दूंगी। मेरा शरीर रहते ऐसा कभी नहीं होगा। प्राण देकर भी मेरी रक्षा नहीं कर पाओगे रंगराज। तब भी मेरे प्राण आपकी रक्षा के लिए ही जाएंगे। मूर्खों की तरह व्यर्थ शोर ना करो। सिपाहियों की बंदूक के आगे लाठी सोंटा क्या करेंगे? क्या नहीं करेंगे माँ, हमारे बरकंदाजों की लाठी में बड़ा बल है। जो भी हो, लेकिन अब एक बूंद भी रक्तपात होने से पहले प्राण दे दूंगी। बाहर जाकर गोली के सामने खड़ी हो जाऊंगी। तुम नहीं बचा पाओगे, बल्कि इस समय पकड़े जाने पर भागने का मौका रहेगा। इसलिए इस वक्त मुझे छुड़ाने के लिए अपने प्राण बचा रखो। ऐसा कैसे होगा माँ? निशि, रंगराज को समझाने के लिए कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, मैं क्या करूं? ऐसे समय झूठ बोलना आपद धर्म है, धर्म इसे स्वीकारता है। अच्छा रंगराज। हाँ माँ, परंतु आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं कुछ खोज रही थी। सुनो, मेरे पास बहुत रुपया है और कंपनी के आदमी रुपयों के दास हैं, जानते हो ना? हाँ रानी माँ, ऐसा ही सुना है। तो फिर मेरे भागने की क्या चिंता है? पर उसके लिए अनुकूल समय चाहिए, मेरा आशय समझ गए ना? समझ तो गया माँ, पर जो देकर कंपनी के आदमियों को बस में करेंगी वो तो बजरे में ही है। आपके पकड़े जाने पर अंग्रेज बजरा भी तो ले लेंगे। नहीं, बजरा नहीं देना है। कह देना वे केवल मुझे पकड़ सकते हैं, बजरे को नहीं। बजरे में जो कुछ है या जो लोग हैं, वे उनको स्पर्श भी नहीं करेंगे। यदि इसके लिए प्रयास करेंगे तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। मेरी बात मंजूर हो तो मैं स्वयं उनकी छीप पर चली जाऊंगी, उनमें से कोई भी यहाँ नहीं आ पाएगा। यदि आप ऐसा कहती हैं तो। हाँ, मैं यही कहती हूँ। और सुनो, क्या भवानी ठाकुर वहाँ हैं? वे बरकंदाजों को लेकर किनारे पर युद्ध कर रहे हैं, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, संभवतः वे अब भी वहीं होंगे। पहले उनके पास जाओ, उनसे कह दो कि बरकंदाजों को लेकर नदी के किनारे किनारे लौट जाएं। मेरे लिए इस बजरे पर जो लोग हैं उन्हें छोड़ जाएं, और कहना कि मेरी रक्षा के लिए युद्ध की आवश्यकता नहीं है, मेरी रक्षा का उपाय स्वयं भगवान कर रहे हैं। इस पर यदि आपत्ति करें तो
तो आकाश की ओर देखने को कह देना, वे समझ जाएंगे। जो आज्ञा मां। अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक देवी चौधरानी की 11वीं कड़ी। इसके कलाकार थे किशोर नमित, एस सी माखीजा, सुशील पाराशर, नम्रता सहानी, मंजरी कटारे, कृष्ण शर्मा और दिशी घई। मूल बंगला उपन्यास के लेखक स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रेडियो नाट्य रूपांतर केशव पांडे, गीत रविंद्र रावल, संगीत पंडित रघुनाथ सेठ, गायक संजीव कुमार चटर्जी, सूत्रधार विजय चौधरी, पावनी भक्त, ध्वनि अंकन अविनाश मोने, निर्माता कारोबार बंबई और निर्देशक सूरज पुरोहित। कल इसी समय इस धारावाहिक की 12वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी।